ग्वालियर शहर की माधवगंज पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 देसी कट्टे और एक पिस्टल सहित 4 राउंड बरामद किए हैं। यह कट्टे 315 बोर के हैं, जबकि पिस्टल 32 बोर की बताई गई है। एक अन्य प्रकरण में थाना माधवगंज में और क्राइम ब्रांच के द्वारा 3,000 रुपए के 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जो कि कुछ समय पूर्व जिन्होंने माधवगंज में घर पर गोली चलाई थी। इसके अलावा भी इनके ऊपर अनेक प्रकरण भिंड में और ग्वालियर में दर्ज हैं। इनके पास से 6 देसी कट्टे और एक पिस्टल बरामद हुई है, और ये जिसको एंडोरी से लाना बता रहे हैं, इनसे भी अभी हम रिमांड लेके पूछताछ कर रहे हैं, जिससे हथियार कहाँ से आए इसके बारे में हम पता कर सकें, और साथ ही इनसे अन्य अपराधों के बारे में हम पूछताछ कर सकें। ये कुल आज 2 कार्रवाइयाँ जो हैं क्राइम ब्रांच और हमारे 2 थानों द्वारा की गई हैं, और इसमें जो भी कर्मचारी जिन्होंने की इतना अच्छा काम किया है, इनको मेरे द्वारा कैश अवार्ड से पुरस्कृत किया जाए। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।